ऑल राइट गाइज, तो अभी अभी देखकर ख़त्म करी है मैंने स्कैम 2003 वेब सीरीज, जो कि लगभग पाँच, इस वेब सीरीज में टोटल 10 एपिसोड हैं, लेकिन अभी इस वेब सीरीज के 5 एपिसोड रिलीज किए गए हैं, जिसकी एक एपिसोड की लेंथ 1 घंटे की है। लेकिन दोस्तों इन 5 एपिसोड में भी आपको बहुत मजा आने वाला है, इसीलिए आप इस चक्कर में वीडियो को छोड़कर मत जाना कि जब इसके सब एपिसोड रिलीज होंगे तब हम देख लेंगे, क्योंकि दोस्तों यार इसका वॉल्यूम 2 शायद नवम्बर में रिलीज होगा, लेकिन जो भी 5 एपिसोड रिलीज हुए वो आपको देखने चाहिए या नहीं। तो चलिए दोस्तों इस वेब सीरीज का रिव्यू करते हैं और बताते हैं आपको कि ये वेब सीरीज कैसी है। तो देखिए यार, सबसे पहले बात कर लेते हैं इस वेब सीरीज की स्टोरी के बारे में, जो कि है अब्दुल करीम तेलगी की लाइफ स्टोरी के ऊपर, जिन्होंने भाई साहब 2030 में स्टाम्प पेपर के स्कैम से 30,000 करोड़ का स्कैम किया था। अब यार इस वेब सीरीज में सब कुछ स्टेप बाय स्टेप दिखाया गया कि कैसे वो रेलवे ट्रेन के अंदर फल फ्रूट बेचा करते थे और उसके बाद फिर वो बम्बई चले जाते हैं नौकरी के लिए और फिर उन्हें नौकरी मिल जाती, उसके बाद दोस्तों जो जो वो करते हैं और जिस तरीके से वो स्कैम वाले जाल में फंसते चले जाते हैं वो आपको इस वेब सीरीज में देखने को मिलेगा, जो आपको बिल्कुल भी बोर तो नहीं करेगा। क्योंकि यार इस वेब सीरीज में जो गगन देव हैं, जिन्होंने अब्दुल तेलगी का रोल निभाया है, उनकी एक्टिंग बहुत खतरनाक है। बस यार एक बात का डाउट है कि अब्दुल करीम तेलगी रियल में कंजूस था या तो इस वेब सीरीज में दिखाया गया है, मतलब कि जो इसमें गगन देव का कैरेक्टर दिखाया गया है वो इतना ज्यादा पैसा बना लेता है फिर भी वो कंजूसी करता है कपड़े और कार कलेक्शन के ऊपर। लेकिन दोस्तों अब्दुल करीम तेलगी एक डांस बार के अंदर एक लेडी के ऊपर 93 लाख रुपए लुटा देता है, जो कि इस वेब सीरीज में दिखाया भी गया है। और दोस्तों वही होता है इस वेब सीरीज का लास्ट 5 एपिसोड, जो कि बहुत कुछ सस्पेंस छोड़कर चला जाता है, मतलब कि शायद इनके आगे वाले एपिसोड में वो ज्यादा पैसा उड़ा है। ओवरऑल गाइस आप इस वेब सीरीज को स्कैम 1992 से तो बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते हो, क्योंकि दोस्तों यार वो वेब सीरीज बहुत ज्यादा अलग थी और ये वेब सीरीज भी बहुत ज्यादा अलग है। बेसिकली इस वेब सीरीज में जो स्टाम्प पेपर होते हैं उन्हें इलीगल तरीके से अब्दुल तेलगी छापता है और वो उन्हें पूरी दुनिया में बेचता है, जिससे वो बहुत ज्यादा पैसा कमाता है। अब यार देखो इसके अभी के टोटल 5 एपिसोड को मैं मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं तो भाई साहब वो मुझे बहुत खतरनाक लगे, मतलब कि इसके अंदर जो खतरनाक वाले डायलॉग है कि मैं पैसा कमाने के लिए नहीं आया हूं बल्कि पैसा बनाने के लिए आया हूं, वो एक नंबर के डायलॉग है। ओवरऑल दोस्तों इस वेब सीरीज को मैं दूंगा भाई साहब 5 out of 4 स्टार और आपको जरूर रिकमेंड करूंगा कि आप एक बार इस वेब सीरीज को जरूर देखें। एंड गाइस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत करीब हैं। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड लव यू।